Hello friends, this is Sangam Phodi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Penidior 12 LA injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी को बेस से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर यूजिंग और टेकिंग एनी इंजेक्शन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से एक और बात मैं यहाँ पे नोटिस के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, हमारे तरफ अभी इंटरनेट की सेवा रद्द कर दी गई है 2-3 दिनों के लिए। इसको जब तक सरकार की अगली नोटिस नहीं आएगी तब तक बंद कर दी गई, क्योंकि अग्निपथ के खिलाफ लोग इतना ने हाजीपुर में जमकर तोड़फोड़ किया है जिसके कारण इंटरनेट की सेवा बंद कर दी। तो इसी कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगले 19 तारीख के बाद से मेरी वीडियो कंटिन्यू आना शुरू हो जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार सपोर्ट पहले की तरह मुझे बहुत सारा देंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Penidior 12 LA इंजेक्शन। LA कहने का मतलब लॉन्ग एक्शन, ठीक है, फॉर लॉन्ग एक्शन जिसको आप बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, Penidior LA इंजेक्शन, 12 LA इंजेक्शन, 12 लाख जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पुराना सुपीरियर एंटीबायोटिक है। ये बहुत ही पुराना सुपीरियर एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। सुपीरियर कहने का अर्थ होता है कि जितने भी एंटीबायोटिक है इसमें, ठीक है, सबसे एक लेवल ऊपर है सबसे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करें, ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन पेनिसिलिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कैटेगरी का, ठीक उसी प्रकार से यह जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये पेनिसिलिन कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि सबसे पुराना एक तरह का क्या है, एंटीबायोटिक है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट, कैसे डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध, काफी रिप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक इंजेक्शन, ठीक है, एक वायल जिसको बोल सकते हैं, एक वायल लगभग 30 से 35 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है, बड़ा सस्ता आता है, ठीक है। और मैंने एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा सस्ता आता है। एक वायल 30 से लेकर 35 रुपए के आसपास होते हैं, उतने में अवेलेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक वायल कितने का आता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन, कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल बेंजाथीन पेनिसिलिन जी 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट में पाया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट में जाता है, सिंगल मॉलिक्यूल, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कहता है कि जब और सब एंटीबायोटिक सुनवाई नहीं ले रहा तब इसका इस्तेमाल लास्ट में डॉक्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल कौन सा पाया था और कितने अमाउंट में पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कि कहां कहां इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है या कहां कहां किया जाता है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के यूसेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर वन यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपने बहुत सारे मेडिसिन एंटीबायोटिक चला रखा है फिर सुनवाई नहीं ले रहा, ठीक है, तो उस जगह पे इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एक सुपीरियर लेवल का एंटीबायोटिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अपर आरटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन की, अगर किसी पेशेंट को लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, जैसे लंग्स में क्या हो सकता है, प्लूरा में पानी भर सकता है, सीओपीडी हो सकता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की, इसका इस्तेमाल ट्यूबरकुलोसिस को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस आप जानते हो, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी एंटीबायोटिक के तौर पर इसको दिया जाता है, जैसे एम्बेस्टिन 0.75 चलता है ना, ठीक है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन वगैरह सब रहता है, ठीक, उसी प्रकार से उसके जगह पर इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, डॉक्टर पेनिडियोर का भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, अगर किसी को सीवर टॉन्सिलाइटिस हो गया, मतलब टॉन्सिल में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत जलन हो रहा, दर्द हो रहा है, ठीक है, सूजन हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थेरिया कि, इसका इस्तेमाल डिप्थेरिया को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। डिप्थेरिया एक तरह का डिजीज होता है, जिसमें होता क्या है कि हमारा जो माउथ है ना, उसमें यहाँ पे आपको अंदर की ओर से उजला उजला टाइप का पस टाइप का बनने लगता है, ठीक है, लगता है पस बन गया उजला उजला, ठीक है, और बहुत ज्यादा दर्द करता है, कुछ इस घोटने में बहुत ज्यादा दर्द करता है, ठीक है, इसी पे फीवर बढ़ाना सब शुरू हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर जिसको हड्डी का जोरों का बुखार जिसको कहते हैं, ठीक है, जोड़ों का बुखार हो, हड्डी का बुखार हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, कि सिफिलिस एक प्रकार का डिजीज है जो कि ड्यूरिंग सेक्स के दौरान होता है, 1% टू अनदर पर्सन ये कैरी करता है, कि सिफिलिस एक तरह का क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डिजीज है, ठीक है, जो ड्यूरिंग सेक्स के दौरान, ठीक है, 1% टू अनदर पर्सन कैरी करता है। तो सिफिलिस में होता क्या है कि आपके जो ये देख रहे हैं, आपके जो जिनाइटल एरिया होते हैं, उस पर रैसेस वगैरह, चकत्ते वगैरह लाल लाल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, या उसी को लोग बोल सकते हैं नेक वगैरह है, ठीक है, गर्दन के पीछे की ओर, इस सब में भी चकत्ते होना शुरू हो जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया भी एक तरह का सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है, सेक्स ड्यूरिंग सेक्स के दौरान ये क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है इधर उधर, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी एक तरह का डिजीज है जो सेक्स करने के दौरान ही ये होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड होते लोग, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी कि, इसका इस्तेमाल कभी कभी जो कपल्स होते हैं, ठीक है, उसमें इनफर्टिलिटी की शिकायत हो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफी जो कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिसमें जितने भी स्पर्म काउंट वगैरह ये सब सबसे नॉर्मल है, ठीक है, फीमेल में भी सबसे नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है प्रेगनेंसी, तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इसको लिखते हैं, पेनिडियोर 12 लाख को लिखते, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, इसको इनफर्टिलिटी को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी या एड्स, अगर कोई पेशेंट एचआईवी या एड्स से सफर कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, इसका इस्तेमाल डॉक्टर स्किन इन्फेक्शन के लिए लिखते हैं, अगर कोई क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन हो, जैसे डर्मेटाइटिस हो, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस हो, एक्जिमा हो, इचिंग हो, लेकिन क्रोनिक हो, बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैलीमेडिया, कैलीमेडिया भी एक तरह का डिजीज होता है, उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे इसके यूसेज है, क्योंकि बहुत ही पुराना, बहुत ही शानदार, सुपीरियर लेवल का एंटीबायोटिक है, तो इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इतने सारी डिजीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आए कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, आखिर ये इंजेक्शन काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल तरीके से ये काम करता है। दिस इंजेक्शन किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सुरक्षा कवच जिसको आप कह सकते हो, वो उसको किल करता, मार देता है। अब जाहिर सी बात है, सुरक्षा कवच मर जाएगा, सेल वॉल मर जाएगा, तो बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा, तो उसको सर्वाइव रहने के लिए उसका प्रोटेक्टिव लेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक वो खुद से डेथ कर जाएगा, डी कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन, वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी इंजेक्शन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन यानी कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, आपको नहीं देना है। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन इसका कंट्राइंडिकेशन है, प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज, किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज, अगर किसी पेशेंट को इन तीनों डिजीज की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको नहीं देना है। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छा से समझ में आएगा, किसी को उसको नहीं देना है।
फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक के इंजेक्शन होते हैं, मेडिसिन होते हैं, चाहे कुछ भी हो, टैबलेट हो, मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, सिरप हो, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता ही है। ठीक उसी प्रकार से इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा घातक साइड इफेक्ट है। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। अच्छा तो है, सुपीरियर लेवल का तो है, लेकिन सुपीरियर इंफीरियर लेवल का साइड इफेक्ट भी इसमें होता है। ठीक है, नंबर वन है ब्लीडिंग पर रेक्टम। हो सकता है कि जैसे ही इंजेक्शन लगेगा, हो सकता है आपको एनस के माध्यम से, ठीक है, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा, इसका साइड इफेक्ट है, याद रखिएगा। फिर तो नोजिया, आपका जी मिच लाएगा, उल्टी करने का मन करेगा, वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। फिर कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, हो सकता है कि आपका कार्डियक क्या हो जाए, अरेस्ट, मतलब जो हार्ट जो है अचानक रुक जाएगा, काम करना बंद कर सकते हैं, इसमें उस परिस्थिति में इंसान की जान जा सकती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स जो कि बड़ा खतरनाक है, ब्लीडिंग पर रेक्टम, नोजिया, वोमिटिंग, कार्डियक अरेस्ट, ये बड़ा खतरनाक है। और रेडनेस एट इंजेक्शन साइट, कि जिस जगह पे इंजेक्शन लगेगा ना वहां पे लाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, इसलिए इसको बिना डॉक्टर के सुपरविजन में आप इंजेक्शन को न लगाए, वरना परिणाम तो घातक हो ही सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में, बेसिकली इसको देते कैसे हैं या डोज क्या होता है। फ्रेंड्स बेसिकली एक इंजेक्शन को जब देते हैं 12 लाख, ठीक है, तो एक इंजेक्शन को 21 दिन बाद देते हैं। कितने दिन बाद? 21 दिन बाद देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कितने दिन बाद? 21 दिन बाद, इस बात को याद रखिएगा। इसको देते कैसे हैं? तो इसको आईएम स्टेट से देते हैं। क्या करते हैं? आईएम स्टेट से देते हैं। थोड़ा गाढ़ा रहता है इंजेक्शन, जल्दी से इसे डायल्यूट करके तुरंत देना होता है, इसको वेट नहीं करना पड़ेगा आपको कि हम अच्छा इंजेक्शन लोड कर लिए, 2-3 मिनट बाद देंगे, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। इंजेक्शन लोड करना है, जस्ट एयर निकाल कर, ठीक है, तुरंत पुश करना है धीरे धीरे, वरना ये जम जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको समझ में आया कि आईएम स्टेट से देना है, और 21 डेज पे एक इंजेक्शन चलेगा। ये नहीं कि आज दी या कल भी दे दी, अगले सप्ताह में, ऐसा नहीं, 21 डेज के लिए इसका एक ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, 21 डेज के बाद ही दूसरा आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पेनिडिलियो 12 LA इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और कैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।